गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह देखिए तेज़ बारिश आया है। अभी एक हफ्ते से कंटिन्यू बारिश हो रहा है और रोड पे भी पानी जमा हुआ है। हमारा ये साइड में ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन मेन रोड में ना कुछ कुछ जगह पे पानी है। और ये देखिए गुलाब के ऊपर ना पानी का ड्रॉप्स देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप लोगों को ना सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए अभी सुबह का थोड़ा बहुत काम हुआ है, थोड़ा बहुत करना है। बिट्टू तो ट्यूशन चला गया। अभी मेरा हस्बैंड और निशा दोनों सोए हैं। निशा का आज ऑफिस नहीं है क्योंकि आज सैटरडे है, और जितना सारा मनी प्लांट है सब गैलरी में ही रख दिया है, अभी तक अंदर रखा नहीं है। क्योंकि मैं सोचा है इस बार ना बारिश के टाइम अंदर रखूँगी नहीं, क्योंकि कीड़ा रहता है ना तो डर लगता है। तो चलिए मेरा सुबह का ना लगभग सब काम हो गया। अभी नाश्ता बनाना है, उससे पहले पूजा कर लेती हूँ। अभी तो श्रावण महीना है तो इसलिए शिव भगवान का पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ। ऐसा तो डेली बेसिस पे पानी चढ़ाती हूँ, लेकिन अभी दूध चढ़ाती हूँ और सोमवार को पंचामृत बना के निलाती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवलिंग में डाली हुई दूध मैं थोड़ा सा ग्रहण करती हूँ क्योंकि चरणामृत है, और बाकी मैं पौधा में डाल देती हूँ। मेरे पास ना मनसा देवी का पौधा नहीं है, नहीं तो वो होता तो अच्छा होता। तुलसी का पौधा छोड़ के कोई भी पौधा में डाल सकता है। तो चलिए अभी मैं लोटा में स्टोर करके रख देती हूँ, पूजा करने के बाद ग्रहण करूँगी। तो मैं अभी अच्छे से शिवलिंग को क्लीन कर लिया है। तो पहले तो गणपति जी को पूजा जाता है, तो पहले गणपति जी का पूजा करूँगी। और अभी मार्केट से ना फूल बहुत ही कम लेके आती हूँ, संडे को लेके आई थी ख़त्म हो गया, और अभी तो आधा सड़ा हुआ मिलता है, ऊपर से कीड़ा भी रहता है, डर लगता है। और बेलपत्र रह गया था तो वही उससे पूजा कर रही हूँ। और बाकी तो मेरा बैल्कनी गार्डन में थोड़ा बहुत फूल मिल ही जाते हैं। पता नहीं अभी फूल ना बहुत ही कम हो रहा है। हिबिस्कस डेली 4-5 खिल रहे, लेकिन आज एक ही खिला है। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम अपराजिताय नमः। जब नॉर्मल पानी डालती हूँ उस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ रोज़ पेटल डालने के लिए, शिव भगवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और पानी डालने के टाइम ये मंत्र जरूर बोलिए, ओम त्र्यंबकम् जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकुनिवन्दनाय मित्तूर्मुक्षीयमामृता। झूले में झूले रहे हैं वृंदावन बिहारी, झूले में झूले रहे हैं वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी। चलिए सुबह का पूजा तो हो गया है, अभी नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि सब लोग उठ गया है। और आज नाश्ता बनाने के टाइम आप लोग के साथ शेयर नहीं करूंगी, लेकिन नाश्ते में आज क्या है वो तो ज़रूर आप लोग को साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी गोपाल को भोग तो लगा दिया है, तो आज नाश्ते में है बादाम भिगा के रखी थी, उसका स्किन निकल के दिया है। और ये निशा के लिए है साबूदाना का खिचड़ी और दूध। तो चलिए मैं उसको दे के आती, उसके बाद हम दोनों खाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब फ्रेंड कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड अच्छे ही होंगे और हम लोग भी सब ठीक है। आज है सैटरडे और अभी बज रहे 12:15। आज एकादशी भी है
तो सुबह का सब काम हो गया, पूजा हो गया। और आज ब्रेकफास्ट में ना साबूदाना का खिचड़ी बनाया, खा के भी हो गया, निशा को भी दे दिया। अभी दोपहर का तैयारी चल रहा है, आज ना मीठा आलू का खीर बनाऊंगी। तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बहुत दिन से ना बारिश हो रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो थोड़ा टाइम के लिए रुका है, सुबह था बहुत ज़्यादा ही था। अभी आधा घंटा हुआ है, बारिश नहीं हो रहा है और हल्का सा धूप दिख रहा है। सच में अभी ना कुछ दिन तो बारिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कपड़ा वगैरह अच्छे से सूख भी नहीं रहे और कपड़े से ना स्मेल भी आ रहा है। तो चलिए अभी तो 12 साढ़े 12 बजने को आया है, तो मैं अभी दोपहर का गोपाल का भोग का प्रिपरेशन करती हूँ। पहले ना इसका स्किन निकाल लेती हूँ। ले भी नहीं सकते, पूरा ही खराब है। ये बारिश में ना सब्जी वो अच्छा ही नहीं आ रहे। स्किन निकल लिया, अभी ना ग्रेट करना है। तो मैं इसके मदद से ग्रेट कर लूंगी। ये खाने में ना बहुत टेस्टी है। गाजर का हलवा जैसे बनाते हैं ना, वैसा मेथड में ही बनाना है। और गाजर का हलवा तो ड्राई रहता है, और इसका तो खीर बनाना है, ये तो लिक्विड ही रहेगा। खाने में ना बहुत टेस्टी है, आप लोग जरूर ट्राई करना। ये देखिए ग्रेट करके हो गया। और एक है, ये नहीं दूंगी क्योंकि ज़्यादा ही हो गया। स्वीट पोटैटो का खीर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ग्रेट करने के लिए ही टाइम लगता है, बाकी बनाने में तो 4-5 मिनट में बन जाता है। तो पहले मैं 2 इलायची दिया है, उसके बाद घी, तो अभी ग्रेट किया हुआ स्वीट पोटैटो डाल दिया है। अच्छे से फ्राई करूँगी, एकदम उसका जो कच्चापन वो जाना चाहिए, और कंटिन्यू हिलाने का, क्योंकि ये थोड़ा सा स्वीट भी है और कंटिन्यू नहीं हिलाएगा ना तो जल जाएगा, और हिलाते हिलाते आधा से भी ज़्यादा पक जाता है। तो मैं ना दूध पहले उबाल के रखी थी, तो अभी थोड़ा सा अमूल पाउडर ऐड कर रही हूँ, और अमूल पाउडर देगा ना टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। और ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, खुशबू बहुत बढ़िया आ रहा है। तो मैं तो मीठा बहुत ही कम डाल रही हूँ, आप लोग चाहे तो, मैं तो 4 चम्मच डाली है, आप डबल डाल दीजिए अगर मीठा आप लोग को ज़्यादा पसंद है। और अमूल स्प्रे डाला है ना, तो इसीलिए मैं 4 चम्मच ही डाला है। और दूध डाला है ये जो कटोरी का 2.5, और ये ना थोड़ा पतला रखने का, बाद में गाढ़ा हो जाता है। तो मैं अभी ये लड्डू गोपाल के उठा के रख देती हूँ, ठंडा होने के बाद भोग लगाऊंगी। सच में बहुत बढ़िया है, और आप लोग चाहे तो ऊपर से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा घर पे ना कोई भी खीर के ऊपर ना ड्राई फ्रूट पसंद ही नहीं करते। ऐसा तो ड्राई फ्रूट खा लेगा, लेकिन खीर में ड्राई फ्रूट उन लोग को पसंद ही नहीं है। गोपाल का भोग लगा के हो गया दोपहर का, और अभी मैं माला लूँगी। साबूदाना का खिचड़ी खाया है ना, अभी तक भूख नहीं लग रहा है, एकदम पेट भरा हुआ है, और भूख लगेगा ना थोड़ा सा फ्रूट खा लूँगी। तो चलिए मैं अभी माला लूँगी, और मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना। अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।